फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कुंदुज अगवा हो गया और वो भी कबीले से, कौन कर सकता है ऐसा करने की हिम्मत अर्तुरुल साहब? दारियुस नाम का एक यूनानी ताजर, अगर जरा भी हिम्मत होती तुम लोगों में तो मेरे सामने इस तरह चेहरे छुपाकर नहीं आते। गिरजा कहां है? मुझे परवाह नहीं कि तुम तुर्कुत की मौत की खबर लेकर आते हो मेरे पास या फिर उसका सर लेकर आते हो। चाहे कुछ भी हो, तुम फौरन पहुंच जाओ यहां ताकि हम इस औताक पर गलबा हासिल कर सके। अर्तुरुल साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुर्कुत, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा किया होगा तो कसम खाता हूं कि यह औताक चलाकर राख कर दूंगा। कुंदूस किले में बिल्कुल महफूज है, उसे जहां रखा गया है वो जगह भी जल्द ढूंढ लूंगा। खाली दुकान में आप मेरा इंतजार कीजिए। मेरी वालिदा मेरे लिए रो रही होंगी। तुम जल्द कबीले लौट जाओगे। एरिस मुझे नहीं जाने देगा। तुम तो एक सिपाही हो ना, और सिपाही तो कभी हार नहीं मानते। मैं अर्तुरुल सरदार का बेटा हूँ जो कभी हार नहीं मानेगा। शाबाश बेटा, इंसान को कभी कभी वो काम करने पड़ते हैं जो वो हरगिज़ नहीं करना चाहता। तुम्हें एरिस से अच्छा रवैया रखना चाहिए। आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। क्यों, क्या हुआ आपके भाई को? जालिमों ने मार डाला उसे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो आपके भाई का भी इंतकाम लूंगा मैं। अभी मुझे जाना होगा, लेकिन बाद में दोबारा आऊंगी मैं। खाना खा लेना तुम। अल्लाह पाक मेरे बाबा को मुझे बचाने भेज दे। मेरी दादी और वालिदा रो रही होंगी और मैं बाहर जाकर बाबा के साथ अपने दुश्मनों से इंतकाम लूंगा।
मेरी तरफ देखो गुनकुत। खूब, बहुत खूब। तुम भी अपना चेहरा दिखाओ मुझे बंसी। बंसी, नीचे करो हाथ। वाह माशाल्लाह मेरे बात। हंस क्यों रहे हो तुम? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अपनी मूछें तो देखो जरा। मुझे तो अपनी मूछों पर शर्मिंदगी नहीं हो रही जैसे तुम्हें हो रही है। गुनगुन, तुम जानते हो ना कि पहले भी मैंने तुम्हारी मूछें उड़ा दी थी। जैसे ही यहाँ से फारिग होंगे हम, नहीं नहीं, जड़ से ही निकाल दूंगा मैंने। अब बस भी कर दो बंसी, तुम दोनों ने बहुत महारत से काम किया है। परेशान मत हो इतना, आ जाएगी दोबारा। भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी भाई। जरूर बंसी जरूर, चलो सवार हो जाओ। भाई हफ्सा खातून जब वो मुझे देखेगी तो क्या कहूंगा मैं? जब तक ये दोबारा नहीं आ जाएगी हफ्सा खातून मुझसे नाराज रहेंगी। भाई जब आप वापस कभी ले जाएंगे, सिपा सालार की हैसियत से सारे सिपाही आपको हैरत से देखेंगे। जरा सोचो उस वक्त क्या होगा। तुमने फर्ज की अदायगी के लिए दाढ़ी की कुर्बानी दी है और फर्ज को मुकम्मल करने के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं लोगों की परवाह किए बगैर। समझ गए तुम? समझ गया भाई, हमारा फर्ज मुकद्दम है। माशाल्लाह मेरे बहादुर सिपाही, चलो सवार हो जाओ। ठीक है भाई। ऐ खुदावंद मेरी मदद फरमा, रहम कर मुझ पर। मारिया बच्चा ठीक है? वो बच्चा बहुत छोटा है कमांडर। हर किस कमजोर न पड़ना, वो बच्चा बहुत अहम है हमारे लिए। जानती हूं मैं, तुम उसकी जान तक ना ले सके। इंशाल्लाह संजार खैरियत से होगा। साहब पुरसुकून हो जाइए, कुछ ऐसा होता तो तुर्कुत जरूर कहता। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। सरदार संजार भाई जख्मी हो गए। जख्मी हो गया है? किस हाल में है? जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, अब वो बेहतर है। या अल्लाह रहम। और वो तुर्कुत, तुर्कुत ने उसका चेहरा तो नहीं देखा? बिल्कुल नहीं सरदार, बिल्कुल नहीं। सुन लिया आपने साहब, संजार बिल्कुल ठीक है, तुर्कुत उसे नहीं देख पाया कि वो कौन है। खातून तुम क्या समझती हो ये सब इतना आसान है? संजार का चेहरा उसने नहीं देखा फिर भी उसका शुबा हमारी ही तरफ जाएगा, अब वो हम पर मुसलसल नजर रखेगा। मुमकिन है कि हमारे खिलाफ कोई अमली कदम भी उठाया जाए। बाजी पलटती नजर आ रही है मुझे।
अब हमें कुछ भी करके हमारे खिलाफ उनके शुभात को दूर करना होगा। इसके लिए मैं असलेहान और तुर्कुत से जाके मुलाकात करूंगा। उसके बाद किसी के इल्म में लाए बगैर संजार से जाकर मिलूंगा। कोई आ रहा है, तैयार हो जाओ। अर्तुरुल साहब, अहरिस की दोस्त मारिया कुंदूस को कहां रखा है जानती है। बमसी साहब, जो आपने कहा था उससे मुझे मदद मिली, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपनी आंखें खुली रखी। बमसी, सिपा सालार होने का हक अदा कर दिया तुमने। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो फिर हमें मारिया से बात करना होगी। मारिया के कमरे का पता लगा लिया है मैंने, हमें अभी चलना चाहिए। हमारे साथ सिर्फ बमसी जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम गुंदूस को लेकर दरवाजे खुलने से पहले किले से बाहर निकल जाएंगे। अगली बार जब हम यहां आएंगे तो इंशाअल्लाह फतह करने आएंगे किले को। तुम लोग बाजार और किले के अतराफ छुपे रहना। भाई, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह राजी हो आपसे। इंशाल्लाह भाई, आप अपने बेटे को छुड़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है बहादुर साहब? ताम में मदाखलत के लिए माजरत खा हूं, लेकिन मुझे एक खबर मिली है कि अर्तुरुल साहब का बेटा अगवा हो गया है। बिल्कुल, लेकिन जल्द या बदेर वो गुंदूस को बाजियाब करवा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं यहां ये कहने आया था कि इस सूरत हाल में किसी भी किस्म की मदद दरकार है तो हाजिर हूं मैं। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं। बेशक हमारे दरमियान कुछ नाखुशगवार वाकयात और हादसात पेश आए हैं, मगर यह मामला एक मासूम बच्चे का है। ऐसे वक्त में हमें अपनी हर रंजिश भुला देनी चाहिए। अगर आपको मेरी मदद दरकार हो तो मैं अपने खैमे में हूं। शब बख़ैर। बहुत शुक्रिया। दरवाजा खोलो।
अतुल के बेटे को अगवा करके तमाम तुर्कों को हिला कर रख दिया है हमने। हम उन्हें हिलाते ही रहेंगे जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाते। हमारी परेशानी के लिए बहादुर साहब अभी मौजूद हैं। हमें उनका साथ देना होगा ताकि वो अपना कबीला वापस ले सके। अर्तुरुल को यह बात नागवार गुजरेगी, वो तुर्कों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूं तीतान। फिर उसके बाद तुम्हारा काम शुरू होगा। कैसा काम? अपने आदमियों से कहो कि यहां आ जाए। तुर्कों की हर हरकत का हम दूर से मुशाहिदा करेंगे। हमारी हिकमत अमली का इनसार उनकी हरकत पे होगा। उम्मीद करता हूं ये इकदाम उनमें इंतजार फैलाएगा। ऐसा ही होगा बिल्कुल। जब वे एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ होंगे हम उन्हें खत्म कर देंगे। मेरे आदमियों की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। काफी अरसे से मैं और मेरे आदमी तुर्कों बहाने के लिए बेचैन है। आप बस इतना बताएं हमें कब कहां और क्या करना है। उसके बाद अपनी फसीलों से तुर्क कबाइल का खून बहने का तमाशा देखिएगा। यही है अर्तुरुल साहब। कौन है? जमींदार एरिस ने भेजा है मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? मारिया, इरादे क्या हैं तुम्हारे? क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल के सिपाहियों से तुमने कुछ राजदाराना बातें की थी। पागल हो गए हो तुम। सिम को मलून की तुम गुलाम थी कभी, तुमने उन्हें ये क्यों बताया? क्या चाहती हो तुम मारिया, बताओ मुझे। तुम यहां आए क्यों हो? दफा हो जाओ यहां से। एरिस तुम्हें जरूर इसकी सजा देगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी। सबसे पहले सिपाहियों के कानों में सरकोशी करने पर एरिस तुम्हें कत्ल कर देगा। जल्दी बताओ मुझे, क्या बात की थी सिपाहियों से? क्या जानती हो? सब बताओ मुझे, वरना मैं ये सब कुछ जाकर एरिस को बता दूंगा। बताओ। मैं लानत भेजती हूं तुम सब पर। मेरे बेकसूर भाई की तरह उस मासूम बच्चे को भी वो मार देगा। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तुम पर और तुम्हारे उस आका पर लानत भेजती हूं मैं। मैं भी लानत भेजता हूं। अर्तुरुल सरदार, मेरा बेटा कहाँ है मारिया? खुदावंद ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। मैं ले जाऊंगी आपको उसके पास। आप बस मेरे लिए मेरे भाई का इंतकाम लीजिएगा। हलीमा खातून, हफ्सा, सिपाहियों से पूछा था मैंने, अर्तुरुल भाई की अब तक खबर नहीं आई कोई। वालिदा, अभी तक कोई खबर नहीं आई। गुंदूस को अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी? बेटी,
मेरी प्यारी बेटी, हिम्मत रखनी होगी तुम्हें। अर्तुरुल जरूर उसे तुम्हारे पास ले आएगा, भरोसा रखो अल्लाह पर। दुरुस्त कहा वालिदा, लेकिन अपने इस दिल को कैसे समझाऊं मैं? अर्तुरुल और कुद्दूस दोनों उस मनहूस किले में, उन दोनों के आने तक मेरे लिए हर लम्हा तकलीफ दे। इंशाल्लाह सही सलामत लौट आएंगे वो दोनों, बस तुम्हें खुद को मजबूत रखना है और पुरुमीद रहना है। ऐ मेरे परवरदिगार, उन दोनों को सही सलामत कबीले पहुंचा दे, रहम कर दे हम पर। इस तरफ आइए। एरिस चाहता था कि मैं रात को कुंदूस के पास रुकूं और उस पर नजर रखूं। वो मुझे नहीं ढूंढेगा, कुंदूस किले में मौजूद है, ये बात किसी को नहीं मालूम। पहरा भी सख्त कर दिया है। मुहाफिज कहाँ है मारिया? दरवाजे पर दो मुहाफिज हैं और उसका एक खास मुहाफिज गश्त पर रहता है, बहुत ही करीबी सिपाही है उसका, सबसे ज्यादा भरोसेमंद। मोहतात रहिएगा। बमसी, मैं मारिया के साथ जाऊंगा, तुम यहाँ संभाल लेना, मोहतात रहना मुहाफिजों से। ठीक है भाई, जैसा आपको हुक्म। जब तक जरूरत न पड़े मुहाफिजों से महाजाराई नहीं करना। चलो मारिया। जमींदार एरिस फौरन उस बच्चे से मिलना चाहते हैं। ये कौन है? बाबा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? ये ख्वाब नहीं है मेरी जान, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। टूट कभी हार नहीं मानते, आपने बताया था ना। आपको पता है बाबा, मैंने भी हार नहीं मानी। अरे माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा। अर्तुरुल साहब, सुबह होते ही किले के दरवाजे खुल जाएंगे, जल्दी कीजिए। ठीक है मारिया, चलो बेटा। जमींदार एरिस को जाकर बताओ कि अर्तुरुल किले में है। मेरे भाई का इंतकाम लीजिएगा। तुमसे वादा करता हूं मारिया,
तुम्हारे भाई का इंतकाम जरूर लूंगा मैं। आओ बेटा। तारीख रातों में सुबह का नूर, मेरा बेटा, सारे पहाड़ों में सबसे बुलंद है मेरा बेटा कुंदूस। तुम्हारे दरिया खुश्क ना हो, तुम्हारे पर कभी शिकस्ता ना हो, खुश रहो ऐ मेरे अल्लाह। अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कुद्दूस को मुझसे मिला दीजिए, मिला दीजिए। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। लानत हो खुदावंद की, हुआ क्या है यहां पर? मारिया, मारिया जल्दी तबीब को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ जल्दी। कुंदूस, मुहाफिजों के आने से पहले किले के दरवाजे से गुजरना होगा हमें। तो फिर चलो, सिपाहियों को खबर करो, सारे दरवाजे बंद करो, जल्दी। कहां जा रहे हो निको? निको नहीं, चुप जाओ बेटा, चुप जाओ, होशियार रहना कुद्दूस। सारा दिन जाम नोश करने के बाद भी मेरे दर्द में कोई कमी वाके नहीं हुई। कम से कम तुम ही मुझे कोई अच्छी खबर दे दो जनाब।
कुंदूस को ले गए वो लोग। क्या मतलब तुम्हारा कुंदूस को ले गए? तुम ये क्या कह रहे हो? जनाब, हिफाजत पर खड़े सारे सिपाहियों को मार डाला उन्होंने। जब मैं जिंदान की तरफ पहुंचा, कुंदूस नहीं था। तुम अपने हवास खो बैठे हो क्या? क्या कह रहे हो तुम? मारिया कहाँ है? मारिया जख्मी है जनाब, उन्हें कमरे में भिजवा दिया मैंने। अर्तुरुल अपने बेटे को बचाने आया है। किले के दरवाजे बंद कर दो, खबरदार कर दो, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? सिपाहियों, अर्तुरुल, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर किले से बाहर निकल गया तो जीत उसकी होगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। फौरन दरवाजे पे जाओ और उन्हें फरार ना होने देना। के अंदर तक घुसाया और मेरे आदमियों को मार के चले भी गए। अर्तुरुल से इसका इंतकाम लेंगे हम। उसने सुकून बर्बाद किया है। सुकून गया जहन्नम में। अब खून बहाने का वक्त है। किले के दरवाजे बंद कर दो। कोई भी किले से बाहर नहीं जाएगा। तुर्कों से जंग करने का वक्त है ये।
बेटी, खुद को इस तरह हलकान मत करो, कुछ देर तो सुकून से बैठ जाओ। हाँ कैसे बैठ जाऊं मैं, वो अभी तक नहीं लौटे वालिदा, और मैं इस औताक में फंस कर रह गई हूँ। अर्तुरुल और कुंदूस जब तक वापस नहीं आ जाते मुझे सुकून नहीं आएगा। ऐ मेरे अल्लाह, सही सलामत वापस भेज दे उन दोनों को। ये नकारा, खैर की खबर आई होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। या अल्लाह रहम कर। ये नकारा क्यों बज रहा है? कौन आ रहा है? पता नहीं, देखते हैं कौन आ रहा है। बहुत दिनों से हमारे कबीले में कोई खुशी की खबर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो भाई, ये नकारा क्यों बज रहा है? या अल्लाह पाक रहम करना, कोई अच्छी खबर। की जान गुंदूस मेरे बेटे, दादी तुम पर कुर्बान हो जाए। अर्तुरुल, मेरा पोता गुंदूस दादी की जान। वालिदा की जान कुर्बान तुम पर। अर्तुरुल, अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, तुमने हमें ये खुशी दी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी जान निकलने वाली थी साहब, लेकिन आप दोनों को सही सलामत देखकर लगता है सारे जहान की खुशियां मिल गई। सीने में लगी आग बुझा दी आपने। तुम्हारे दिल में लगी आग अब ठंडी हो जाएगी हलीमा, अब उनके जलने का वक्त है। दुश्मन हमसे अपनी चालों के जाल बिछाकर कुछ भी नहीं छीन सकता। इस सरजमीन से हमें निकालने की ख्वाहिश रखने वाले मलूनों को न तो हम अपने बेटे देंगे और न ही अपनी जमीन लेने देंगे। उनका शर हम पर आश्कार हो चुका। याद रखें कि निजामे आलम में अब हमारे लिए जंग का वक्त है। अब हम
अपनी तलवारें निकालकर शर के मुकम्मल खात्मे तक चुन चुन कर इन्हें मारते रहेंगे। बहादुर सरदार अर्थरुल से शदीद नफरत करता है। अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो अपने आप से ही गद्दारी करेंगे हम। अर्थरुल सरदार जंग के सिलसिले में आपसे मशवरा करना चाहते हैं। जंग के दौरान सिपाहियों को मजबूत रखने के लिए मुझे सोने की जरूरत पड़ेगी, तुम जानते हो, और मुझे शुबा है कि हमारे पास इतना सोना है भी या नहीं। तुम तैयारी कर लो और जब मैं इशारा दूं तुम्हें तो तुम कबीले पे हमला कर देना। हमें मंजनी के बनाना होंगी अर्थरुल साहब। ये क्यों कह रहे हैं? मंजनी के बनाने क्या बात कर रहे हैं?